शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा के बैराड़ थाना क्षेत्र के ग्राम बीलवरा माता में रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक राजवीर राजपूत ने बताया कि मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता तथा मैं अकेला रहता हूं। मैंने अपने भरण पोषण के लिए 40 बीघा जमीन खरीदी थी, लेकिन मेरी जमीन के एक हिस्से पर गाँव के ही दबंग कब्जा कर रहे हैं। जब मैं उन्हें रोकता हूँ तो वो लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। राजवीर ने बताया कि मैंने पुलिस में भी शिकायत की तो उन्होंने कहा कि अभी फसल लगी तो जब कट जाएगी तब कब्जा हटवा देंगे, लेकिन फसल कटने के बाद भी वो नहीं हटा रहे हैं। शिवपुरी कलेक्टर की जनसुनवाई में आवेदन देते हुए राजवीर कलेक्टर साहब से कहा कि मैं आवेदन देकर अब परेशान हो चुका हूं, लेकिन प्रशासन में भी मेरी तरह अंधा हो गया है। यदि प्रशासन मुझे इस समस्या से मुक्त नहीं करा सकता तो मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए। मेरा नाम सर फूल सिंह है। ये आप क्यों आए थे आज कलेक्टर साहब? ये मेरा भैया है जी, बड़ा तो रिटायर्ड टीचर है, एक्सीडेंट में इनकी दोनों आंखें चली गई है। तो मेरा परिवार मैं देखता हूँ और इसकी थोड़ी बहुत मैं जितना टाइम निकाल सकता हूँ इसकी हेल्प भी करता हूँ। ये बटाई पे कराता है खेत अपना जी जी, लेकिन वो जो शरारती तत्व है वहाँ रौनक ब्रिज मोहन का लड़का है ये, और इसके चाचा हैं दो, मोहन सिंह स्नोप सीता, राजू स्नोप सीता, ये इसको सहयोग करके हमारे खेत पे इसने जबरदस्ती भैया के खेत पे कब्जा करा दिया जी। तो हम थाने में गए तो थानेदार ने हमारे को बोला कि भाई इसको बोने दो, कटाई मैं तुम्हारे से कराऊंगा। अब खेत फसल तैयार है, हम बार बार चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कल भी हम थाने में गए थे, कल ये आश्वासन मिला कि भाई वहाँ पहुँच रहे हैं खेत में, खेत पे हम शाम तक बैठे रहे, कोई नहीं आया जी। तो आज शाम को हमने फ़ोन पे बात करी तो कि एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ फंस गए थे, अभी तक उनका भी कोई फ़ोन नहीं आया। आज हमें पता चला था कि यहाँ जनसुनवाई होती है मंगलवार को, तो ये भैया कहने लगे भैया हालांकि मैं टाइम नहीं दे पाता, मेरा अपना निजी काम है, तो भैया को फिर मैं मजबूरी में यहाँ लेके आया, मेरे खेत में मजदूर चल रहे जी जी। कितने बीघा जमीन पर उन्होंने कब्जा किया होगा? सर 2-2.5 बीघे अंदाजन है, हमारी नंबर तो बड़े हैं खेत के वो जी जी, लेकिन 2-2.5 बीघे पर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अगर उसकी जमीन है, वो कहता है कि मेरी जमीन है, जैसे पुलिस वाले कहते हैं, तो पुलिस वाले उसके से डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं मांगते? अगर मेरी जमीन है तो मेरे से डॉक्यूमेंट्स ले जी। तो आपने जो आज कलेक्टर को एक आवेदन दिया है उसमें इच्छा मृत्यु वाली बात भी लिखी है। सर इतना परेशान इसको कर दिया गया है तो इच्छा मृत्यु नहीं मांगेगा तो क्या मांगेगा? वो तो क्रिमिनल लोग हैं। मैं तो पहले परेशान हूँ जी, थाने में हम जाते हैं तो थाने से पहले ही उन पर इतला आ जाती है कि ये पहुँच गया तुम्हारी अब शिकायत लेके, और रास्ते में हमें कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो राजस्व विभाग है, पटवारी है, तहसीलदार है, पुलिस है, हाँ जी, उनका सहयोग भी है उन लोगों का? पुलिस का तो पूरा सहयोग है, राजस्व विभाग का मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि पटवारी का भी पूरा सहयोग है, पटवारी उनके समाज का है। अच्छा, पटवारी का ही पूरा सहयोग है, पटवारी का उनको पूरा सहयोग है जी। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है इनका? इनका नाम राजपाल। राजपाल शादी हुई इनकी? हाँ, एक लड़का है, एक लड़की है, एक लड़का है, बच्चा अपना प्राइवेट गुजारा कर रहा हरियाणा में। कहाँ जाते हैं आप? खेत पे ही सब मकान। कौन सा गांव है? माता का बिलवाड़ा। कहाँ पड़ता है ये? बैराड़ का नाम है। क्या नाम है आपका? राजपाल। राजपाल जी, आप यहाँ क्यों आए? कलेक्टर साहब क्यों आए थे? ये हम जमीन के चक्कर में है, जमीन का किस तरह का क्या मामला? नजायज कब्जा कर लिया जी।